डियर स्टूडेंट्स, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास जो साइंस की क्लास है उसमें स्वागत करता हूं। और आज जो हम टॉपिक लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास बच्चों की डिमांड जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से मैंने आपके बात करी टॉपिकों की कि कौन सा टॉपिक लें। तो बच्चों ने 10th NCERT के लिए मुझे सजेस्ट किया कि आप सर 10th NCERT के भी वीडियो बनाइए। तो 10th NCERT अब देखा जाए तो राजस्थान के अंदर भी 10th NCERT की क्लास सिलेबस ले लिया गया है। तो 10th NCERT राजस्थान में भी चल रही है और CBSE स्कूल्स जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स उनके अंदर भी NCERT अडॉप्ट है पहले से। तो मेरे सामने द्विधा दो चीज आ रही है कि NCERT एक राजस्थान में जो चल रही है वो हिंदी मीडियम ज़्यादा होते हैं बच्चे, तो सेंट्रल लेवल पर ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम है। मैं आपको जो वीडियो देने की कोशिश करूँगा वो बाई लैंग्वेज में देने की कोशिश करूँगा। बोथ लैंग्वेज जो है वो हम दोनों लेकर के चलने की कोशिश करेंगे जिससे हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी देखे तो उसे भी समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होगा उसके लिए टर्मिनोलॉजी और उसका मीनिंग प्रॉपर लेकर के हम क्लेरिफाई करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं जो वीडियो देने जा रहा हूँ वो साइंस का जो आपके चैप्टर है बायोप्रोसेस उसे चालू करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है आपके बायोप्रोसेस, जिसे हम हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। ये आपके साइंस में 10th क्लास के अंदर आपके 6th चैप्टर है। अब देखिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करें बायोप्रोसेस, उससे पहले बेसिक हमें कुछ ध्यान देना होगा और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ए से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद सीक्वेंस में लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो हम लेते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जो 10th NCERT है उसे बायोप्रोसेस से ज्यादातर टीचर चालू करते हैं, पर मैं जहां से चालू करने जा रहा हूं आप वहां से इसे पढ़ने की कोशिश करें, आपको एक एक टॉपिक समझ में आने लगेगा। देखो पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट करना ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच हम अंतर कैसे कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या बेसिकली अंतर है लिविंग और नॉन लिविंग एनिमल में। सुनिएगा, देखिए पहला हम जो टॉपिक लें फर्स्ट करैक्टर जो हम लेंगे वो लेते हैं आपके मोशन। मोशन मींस गति। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो मोशन जरूर करेगा। जैसे हम हमारी बात करें, हम एनिमल हैं, जूलॉजी के अंदर आते हैं तो हम गति करते हैं, दिखाई दे रहा है। पर प्लांट्स तो गति करते हुए नहीं दिख रहे। एक पेड़ जहां लगा हुआ है वहां से मोशन नहीं शो करता, वो गति नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एक पेड़ आज यहां लगा हुआ है कल 200 मीटर दूर जाकर के दिखेगा, ऐसा नहीं है। वो जहां लग रहा है वहां लग रहा है। तो क्या फिर प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट के अंदर कुछ लिमिटेड मूवमेंट होता है। देखो फर्स्ट मोशन जो पॉइंट लिया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जबकि डेड या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल तो जो है जंतु वो तो गति शो करते हैं, पर प्लांट में गति कौन सी होती है? प्लांट मतलब पादप, पादपों में जो गति होती है जैसे स्टोमेटा का ओपन होना, स्टोमेटा का मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट, ये क्या होता है?
अगर हम इसकी बात करें स्टोमेटल मूवमेंट की, तो बेटा आपने देखा हो कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स क्या है आपके, मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख लेता हूं, जो प्लांट्स है उसमें लीफ पर स्टोमेटा मिलते हैं। स्टोमेटा मतलब रंध्र, हिंदी में स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं, रंध्र। और ये रंध्र ओपन और क्लोज होते हैं। ओपन होगा तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, क्लोज होगा तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। ओपन कब होगा, डे टाइम में, जब दिन होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, पहला मूवमेंट प्लांट का। दूसरा मूवमेंट, हम विशेष मूवमेंट की बात करें तो जब आपके सूरजमुखी सनफ्लावर देखा होगा, सूर्य जिससे सनराइज जिधर से हो रहा है तो सनफ्लावर का फ्लावर जो है वो सन की डायरेक्शन में होता है, और जैसे जैसे सन मूवमेंट करता है सनफ्लावर भी मूवमेंट करता है। तो ये जो मूवमेंट है प्लांट शो करते हैं, इसका मतलब मोशन या मूवमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है, जबकि नॉन लिविंग में ये एबसेंट होता है। फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। मैं सेकंड अगर आपके पॉइंट लेकर चलूं तो सेकंड पॉइंट जो होगा, सेकंड करैक्टर मोशन के बाद हम बात करते हैं आपके रेस्पिरेशन की। जिसे हम हिंदी में श्वसन कहते हैं, श्वसन। देखो रेस्पिरेशन क्या है, what is the respiration? Respiration is a process by which we can exchange the gases. हम जिसके द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। गैस क्यों लेते हैं, हम आपने ध्यान दिया हो तो गैस अंदर लेते हैं और फिर निकाल देते हैं। इसमें से काम आने वाली गैस ऑक्सीजन जो है उसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं, हम अंदर ले लेते हैं। तो गैस का विनिमय वो श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। पर रेस्पिरेशन कौन करेगा, रेस्पिरेशन कौन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता। क्यों, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, अपना जितना भी काम करना है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए वो गैसों का एक्सचेंज रेस्पिरेशन करता है। इन फ्यूचर जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे या टेंथ में, जैसे रेस्पिरेशन है वहाँ सिस्टम दे रखा है, रेस्पिरेशन सिस्टम, आपको मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि रेस्पिरेशन करता क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू अकर दे आर रेस्पिरेशन, व्हाई दे विल रेस्पिरेट, तो मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा। उसकी जगह सिर्फ अभी आज हम टॉपिक पर फोकस करें कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंशिएट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विल नॉट रेस्पिरेट, ठीक है। फिर मैं तीसरा जो पॉइंट लेने जा रहा हूं वो है आपकी ग्रोथ, ग्रोथ या जिसे हम वृद्धि कहते हैं। देखो ग्रोथ या वृद्धि क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। जैसे आपने देखा कि जब बच्चा बेबी बॉर्न होता है, बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है और वो न्यूट्रिशन ले लेकर के धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। जैसे जंतु हैं हम छोटे से थे पहले, फिर खाते गए और हम बढ़ते जा रहे हैं। पर एनिमल में वृद्धि या ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। पादप में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में आपने देखा वो इतना सा सीड्स होता है बीज, उस बीज को हम धरती में जब लगाते हैं तो वो जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, वो अंकुरित होता है, छोटा सा पेड़ निकलेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और उसकी क्या लिमिट है, नहीं, वो बढ़ता जाता है। अगर उसको न्यूट्रिशन अनलिमिटेड मिले तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ प्रेजेंट करते हैं जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विल नॉट ग्रो। अब हम यहां बात करें एनिमल की या जंतु की, तो ये लिमिटेड ग्रोथ करती है, लिमिटेड ग्रोथ, जबकि सीमित वृद्धि करते हैं। जबकि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ आपके प्रेजेंट करते हैं।
हैं, शो करते हैं। तो ये मेरा तीसरा डिफरेंशिएट जो है वो बात करी। मैं चौथा बात करूं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। जनन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है। मतलब सजीव जो जीव हैं वो अपने जैसी नई संतति का निर्माण, अपने जैसे बच्चों का निर्माण किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? रिप्रोडक्शन के थ्रू। और क्या ये रिप्रोडक्शन सजीव करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है? बिल्कुल करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विल रिप्रोड्यूस, जबकि प्लांट्स जो हैं उनमें डेड या नॉन लिविंग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं लिविंग और नॉन लिविंग को, उनके अंदर अगला टॉपिक लूं तो मैं लेता हूं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? देखो यहां क्या करता है जनन में, न्यू प्रोजेनी। न्यू प्रोजेनी मतलब नई संतति बनाता है। वृद्धि के अंदर शेप साइज बढ़ता है, शेप एंड साइज विल इंक्रीज। एरो का निशान ऊपर है, इसका मतलब बढ़ता है आकार और आकृति बढ़ती है। मैं दूसरा मार्कर चेंज करता हूं, थोड़ा सा लाइट हो गया ये। श्वसन में क्या मिलता है? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक आदमी कोई भी लिविंग चीज लिविंग नहीं रहेगी। तो उत्सर्जन में क्या होता है? उत्सर्जन में एनिमल जो सजीव है, प्लांट है चाहे एनिमल है, वो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी करेगा। उस दौरान रिएक्टिविटी के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंस भी बनते हैं, मतलब उपापचयी क्रिया करता है, पदार्थों को तोड़ता है और बनाता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में अलग से करेक्टर लूंगा, पर इस दौरान हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जैसे आपने देखा हो हम जंतु हैं, एनिमल हैं, तो हम भोजन लेते हैं, फूड्स लेंगे। फूड्स लेने के बाद सुबह के टाइम में हम फ्रेश होने जाते हैं, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, हार्मफुल सब्सटेंस है, हानिकारक पदार्थ है। और उनको निकालना, उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। मतलब हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को निकालना, हार्मफुल सब्सटेंस विल एक्सक्रीट। ये जो है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन। हानिकारक पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जो हानिकारक पदार्थ हैं, हार्मफुल सब्सटेंस है, उनको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, अपनी बॉडी से रिमूव करना, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीशन लिविंग एनिमल्स में होता है जबकि नॉन लिविंग में नहीं होता। ये एक अगला टॉपिक जो था वो लिया। अब उसके बाद मैं अगला पॉइंट्स लूं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। देखो जो भी जीव है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, उनके अंदर अंतर करने, और मैं अगला पॉइंट करैक्टर लेकर चल रहा हूं न्यूट्रिशन से। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए वो न्यूट्रिशन लेता है। जैसे हम, आपने देखा हो कि हम जितने भी जंतु हैं वो सुबह या दिन में अपना भोजन लेते हैं, फूड्स, वी विल टेक फूड्स इनटेक। तो ये जो भोजन है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो उस एनर्जी के लिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जबकि डेड जो एनिमल है या नॉन लिविंग एनिमल्स जो हैं वो इस न्यूट्रिशन को नहीं लेते हैं। अब देखो यहां हम प्लांट्स की बात करें, अगर यहां हम प्लांट्स की बात करें
तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी, जबकि जंतु या एनिमल जो हैं वो आपके हटरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी। ऐसा क्यों? अरे भाई, जंतुओं की बात करेंगे तो जंतु जो हैं वो क्या हैं? प्लांट्स को देखा होगा, क्या उन्होंने हमसे कभी रोटी मांगी? नहीं। क्या हमसे कभी पानी मांगा, ऐसे कि पानी पिला दो? नहीं। वो कुछ खुद हमसे क्यों नहीं लेते, वो खुद ले लेते हैं। जो सोइल पार्टिकल है, मृदा है आपके, धरती है, उसमें से मिनरल्स निकाल लेते हैं, गैसेस एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करते हैं और अपना भोजन या फूड जो है वो खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, दे विल मेड फूड्स सेल्फ। तो उस कारण उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। जबकि हाटरोट्रॉप्स क्या है? जो दूसरों पर डिपेंड हो। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स होते हैं, पर भोजन चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए हम इन पॉइंट के थ्रू उसमें अंतर कर सकते हैं। अब भोजन लिया है तो अगला पॉइंट मैं लेता हूं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन, मतलब जो भी हम भोजन ले रहे हैं, फूड, वी विल टेक फूड, वो फूड को कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में चेंज करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस क्या है? इन विच प्रोसेस बाय वी कैन डाइजेस्ट द फूड, मीनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज इन सिंपल मॉलिक्यूल। जो जटिल तत्व हैं उनका सरल तत्व में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। तो ये पाचन की क्रिया लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होगी, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी। इसी के बाद हम अगला एक लक्षण और लेते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उपापचय। मेटाबॉलिज्म क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपके डाइजेशन करता है तो जो फूड है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो सिंपल में चेंज होगा, फिर सिंपल मॉलिक्यूल हमारे शरीर में एनर्जी देगा, हम काम करेंगे। पर मान लो अगर वो फूड एक लिमिट से ज्यादा हमने ले लिया तो वो स्टोरेज फूड में चला जाएगा, मतलब हमारी बॉडी में कलेक्ट होगा। आपने ध्यान दिया हो अपने शरीर पर चर्बी फैट डिपॉजिट हो जाती है, अपन मोटे हो जाते हैं। उसमें एक्चुअल में फैट में होता क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, जटिल जो सरल तत्व है वो जटिल में वापिस बदलता है और हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो वहां दो प्रोसेस हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। इसमें डिग्रेड होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल आपके डिग्रेड हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। और अगर कोई आपके सिंपल मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, सरल से जटिल बन रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को कंबाइंडली क्या कहते हैं? वी विल कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो उपापचय क्रिया के अंदर जटिल और सरल तत्वों का निर्माण या टूटना दोनों क्रियाएं होती हैं, और ये क्रिया आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट होती है। तो मैंने इस प्रोसेस के थ्रू एक अंतर की और बात कर लेता हूं, होमियोस्टेसिस। समस्थापन, ये जो होमियोस्टेसिस है इसका मीनिंग क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को बैलेंस करता है एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग। अगर एटमॉस्फियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो होमियोस्टेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को बैलेंस लाइफ जीता है। जैसे अभी मान लो गर्मियों का दिन है,
समर टाइम है, विंटर टाइम भी आता है, तो समर टाइम में क्या है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया, मान लो 45-48 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। अब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो इस दौरान बॉडी को टेम्परेचर अपना मेंटेन करना है, तो हमारे अंदर क्या होता है, पसीना निकलता है, पसीना स्वीट, स्वीट सीक्रेशन होता है। ये स्वीट क्या है, जो एनर्जी या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो पसीने के रूप में बाहर निकल आता है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर वापस कम। इसके जस्ट अपोजिट विंटर सीजन में बात करें, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर 37। अब बाहर के कॉन्टेक्ट में हम रहेंगे तो हमारा बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, कोल्ड हो जाता है, तो उस दौरान हमें होम्योस्टेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है, दांत कट 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 करने लगते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, तो इनसे क्या है, बॉडी का टेम्परेचर वापिस इंक्रीज होता है, तो ये प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहलाता है, मतलब बैलेंस, बैलेंस करना, संतुलन करना। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो करता है शो, पर डेड या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता। तो ध्यान देना, मैंने आज एनसीईआरटी का फर्स्ट जो पॉइंट लिया वो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट किया, और उस डिफ्रेंशिएट में नॉन लिविंग जितने भी एनिमल हैं, जो भी प्रोसेस है वो सब एब्सेंट करते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, सब में ये करैक्टर प्रेजेंट है, पर इन करैक्टर्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करी है, और ये वीडियो जो अब दे रहा हूं वो मिक्स बाईलैंग्वेज में दूंगा, जिससे आपको हिंदी में भी टर्मिनोलॉजी मिल जाए और इंग्लिश जो बंदे हैं, बच्चे हैं एनसीईआरटी के, वो उनको भी ये सेटिस्फाई कर पाए। तो आप इस वीडियोस में अगर कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।